साथियों, मैं हैरान हूं कि वीर छत्रपति शिवाजी की धरती पर आजकल राजनीतिक स्वार्थ के कारण ऐसी आवाजें उठाई जा रही हैं और इनकी बेशर्मी देखो, बेशर्मी। ये खुलेआम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में आर्टिकल 370 का क्या लेना देना। जम्मू कश्मीर का महाराष्ट्र से क्या लेना देना। ऐसी आवाज उठाने वालों को मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो। जम्मू कश्मीर भी और वहां के लोग भी मां भारती के संतानें ही रहते। सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद का मुकाबला, और उस मुकाबला करने के लिए पूरा देश जम्मू कश्मीर के देशभक्त नागरिकों के साथ है। महाराष्ट्र का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां से गए वीर सपूतों ने जम्मू कश्मीर की शांति के लिए त्याग नहीं किया होगा, अपना बलिदान नहीं दिया होगा। वो मौत को मुट्ठी में लेकर के महाराष्ट्र का वीर जवान उस बर्फीली चोटियों पर, जम्मू कश्मीर की धरती पर आतंकवादियों से लोहा लेता था, क्योंकि उसके दिल में यही था कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आया हूं और मेरे हिंदुस्तान को रत्ती भर चोट नहीं पहुंचने दूंगा। अगर जान की बाजी लगा दूंगा लेकिन देश की हिफाजत करता रहूंगा। इस मंत्र को लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती के वीर सपूत जम्मू कश्मीर में जाकर के बलिदान देते रहे। हमें गर्व है महाराष्ट्र के उन सपूतों पर जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। और आज राजनीति के स्वार्थ में डूबे हुए ये लोग, अपने परिवार के कल्याण में खोए हुए लोग, ये कहने की हिम्मत करते हैं कि महाराष्ट्र का जम्मू कश्मीर से क्या लेना देना। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। दर्द होता है दिल में, इन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए अपनी सोच पर, उन्हें शर्म आनी चाहिए अपने बयानों पर। याद रखिए, आपके बयानों को, आपकी प्रतिक्रिया को सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश सुन रहा है, और देश पाई पाई का चुन चुन के हिसाब मांग के रहेगा, ये मान के चलो।